गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एम ए फाइनल गर्ल्स, देखिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास में। आज हम कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने शक वंश पढ़ा था, आज हम कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कुषाण वंश, कुषाण वंश देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक जाति थी यूची जाति, ठीक है, यूची जाति थी जो चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी। यूची जाति चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी, ठीक है, और इसी के पड़ोस में, यूची जाति के पड़ोस में एक अन्य जाति रहती थी जो भारतीय इतिहास में हूण जाति के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यूची जाति चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी, इसी के पड़ोस में जाति रहती थी हूण जाति। हूण जाति के राजा लाओत्सेतुंग ने क्या किया, यूची जाति पर आक्रमण कर दिया, यूची जाति पर आक्रमण किया और यूची जाति के राजा को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। अब यूची जाति क्या है, हार गई, राजा भी मारा गया और उसको ये गोबी प्रदेश छोड़कर जाना पड़ गया, ठीक है। और यूची ये जो जाति थी गोबी प्रदेश छोड़कर नए प्रदेश की खोज में यहाँ वहां जाने लगे। यूची जाति के कुछ लोग नान शान की पहाड़ियों में चले गए, नान शान, यूची जाति की एक शाखा नान शान की पहाड़ियों में चली गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाई, छोटी यूची, ये तो सारे इकट्ठे थे ना पहले, तो उसको यूची जाति कहा जाता था, जीव की गोबी प्रदेश में रहती थी, हार गई तो कोई इधर भागा कोई इधर भागा, एक शाखा नान शान की पहाड़ियों में चली गई, इसे क्या कहा गया, छोटी यूची, छोटी यूची कहलाई, ठीक है, और इसे छोटी यूची कहा जाने लगा। और एक शाखा सरयू प्रदेश में चली गई, ठीक है, कहा चली गई, एक शाखा तो नानशान की पहाड़ियों में चली गई और एक शाखा सरयू प्रदेश में चली गई। अब जब वो सरयू प्रदेश में गए तो सरयू प्रदेश में भी एक जाति रहती थी जो क्या कहलाई, जो क्या कहलाती थी, शक जाति कहलाती कहलाई, सरयू प्रदेश में शक जाति रहती थी, ठीक है। अब जब सरयू प्रदेश में यूची जाति गई तो वहां शक जाति रहती थी, तो यूची जाति ने क्या किया, शक जाति पर आक्रमण कर दिया और सरयू प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अब यूची जाति सरयू प्रदेश में रहने लगी और जो सरयू प्रदेश में रहने लगी वो यूची जाति क्या कहलाई, तायूची कहलाई, ठीक है। लेकिन ये यूची जाति सरयू प्रदेश में ज्यादा समय तक नहीं रह पाई, क्यों, क्योंकि एक और जाति थी जिसका नाम था वुसुन। वुसुन जाति ने क्या किया, हूण जाति के साथ मिलकर सरयू प्रदेश में जो ये तायूची यूची जाति रहती थी इस पर आक्रमण कर दिया। वुसुन ने हूण जाति के साथ मिलकर सरयू प्रदेश में जो यूची जाति रहती थी इस पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया तो यूची जाति हार गई तो उसको सरयू प्रदेश छोड़कर भागना पड़ा। सरयू प्रदेश में ज्यादा समय तक नहीं रह पाई और एक नए प्रदेश की तलाश में गई, तो वो कहाँ गई, ताहिया में चली गई। यूची जाति कहाँ चली गई, ताहिया प्रदेश में चली गई और यहाँ ताहिया में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीन के गोबी प्रदेश में यूची जाति रहती थी ये इधर उधर होकर ये पांच शाखाओं में बट गई, कितनी शाखाओं में बट गई, पांच शाखाओं में बट गई, इसकी पांच शाखाएं बन गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके कुषाण जाति या ये कुषाण वंश के महत्वपूर्ण व्यक्ति कुजुल के बारे में, जो कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। तो ये कुषाण जाति है जो यूची जाति थी ये जो पांच शाखाओं में बट गई, इसमें जो तीसरी शाखा थी कुषाण चुआंग मी है ना, ये कुजुल कैडफिसेस जो था ये तीसरी शाखा का
व्यक्ति था, ठीक है। कुषाण जाति पांच शाखाओं में बट गई थी ना, तो ये तीसरी शाखा का था। इसने क्या किया, एक का तो ये था ही था और बाकी की जो चार थी उसने इसको उस अपने अपने वाली शाखा में मिला लिया, ठीक है। और चार शाखाओं को अपनी शाखा में मिला लिया और इसके बाद इसने राजा की उपाधि धारण कर ली और कुजिल कैटी से कुषाण वंश का पहला राजा बन गया, ठीक है। तो देखिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुषाण जाति क्या हो गया, ऐसे करते करते पांच शाखाओं में बट गई। जो तीसरी शाखा थी कुषाण चुआंग भी वहां का एक व्यक्ति था। कुजुल कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस ने क्या किया, पांच थी एक का तो ये था ही था, उन चारों को अपने अंदर मिला लिया और युची को क्या बना दिया, कुषाण बना दिया। कुषाण वंश की स्थापना की, इस वंश का ये क्या बन गया, राजा बन गया। इसने राजा की उपाधि धारण कर दी, ठीक है। अब कुषाण वंश का राजा कुजुल कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विम कैडफिसेस गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो ये जो विम कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा, ये क्या था, ये भी अपने पिता की तरह एक महत्वाकांक्षी शासक था और ये क्या करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। देखिए अभी हम उधर चिंग की तरफ की बात कर रहे हैं, तो ये जो विम कैडफिसेस था यही वो व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पंजाब को जीता था, भारत पर विजय प्राप्त की थी और भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। तो भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विम कैडफिसेस। तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो विम कैडफिसेस। विम कैडफिसेस कौन था, कुजुल कैडफिसेस का पुत्र था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, विम कैडफिसेस की हमें भारत में मुद्राएं मिलती हैं जिसमें उसे उसकी मुद्राओं पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं, जिससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये शिव का भक्त रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मूर्तियों पे शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति मिलती है और इसने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अब विम कैडफिसेस के बाद अगर हम बात करते हैं, तो विम कैडफिसेस के मृत्यु के बाद क्या हो गया, जो इनका कुषाण साम्राज्य था, भारत में इनका जो कुषाण साम्राज्य था उसमें क्या हो गई, अव्यवस्था फैल गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई राजा नहीं था, अनेक गवर्नर गद्दी पर बैठे थे, अनेक गवर्नरों ने राज्य किया था। कहते हैं भारतीय इतिहासकारों से हमें ये जानकारी मिलती है कि विम कैडफिसेस की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक क्या हुआ था, साम्राज्य में अव्यवस्था फैली रही थी और गवर्नर जनरलों ने शासन किया था और विम कैडफिसेस की मृत्यु के 20 वर्ष बाद कनिष्क, जो इनका अगला राजा था, कनिष्क का उदय हुआ था, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये इसका पुत्र था तो इसके जस्ट बाद गद्दी पर क्यों नहीं बैठा, क्यों 20 वर्ष का गैप डाला, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शायद इसकी आयु क्या थी, कम थी, ठीक है। तो बहुत सारे इतिहासकारों में इन दोनों के, विम कैडफिसेस और कनिष्क, इन दोनों के मध्य क्या संबंध था, इन दोनों के मध्य संबंध को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बाद में कहते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध था, तो इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि कनिष्क क्या था, विम कैडफिसेस का गवर्नर था और अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात जब जैसे जैसे गद्दी संभालने का आया तो इसने भी अपने स्वामी की गद्दी संभाली थी, ठीक है। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये इसी के ही वंश का था, दोनों में एक ही वंश के थे, दोनों में एक ब्लड रिलेशन था, ठीक है। क्यों कहते हैं कि दोनों एक ही वंश के थे,
देखिए मथुरा का जो देवकुल है, मथुरा के देवकुल में भीम कैंफिसेस और कनिष्क दोनों की मूर्तियां इकट्ठी मिली हैं, देवकुल में मिली हैं। ठीक है, तो इन्होंने देवपुत्र शाही पुत्र की पति धारण की थी, तो ये अपने आप को देवता के समान मानते थे, राम के समान, ये कनिष्क सॉरी कृष्ण के समान ये लोग अपने आप को मानते थे। ठीक है, तो इन दोनों की मूर्तियां ये जो मथुरा के देवकुल में इकट्ठी मिली हैं, जिसे स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक ही वंश के थे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम कनिष्क पे चर्चा करेंगे, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के बारे में कल की क्लास में चर्चा करते हैं। और आप इसका एक बार थैंक यू।